हेलो फ्रेंड, आज हम आप सबको एलईडी टीवी के बारे में बताएंगे, जो कि इसमें लाइट ऑन आ रहा है रिमोट से ऑन करने पर। देखिए, रिमोट से बटन बंद करने से हमें साउंड आ रहा है, पिक्चर इसमें नहीं आ रहा है। जबकि इस फॉल्ट में टेक्नीशियन बताते हैं इसका बैकलाइट अक्सर ख़राब होता है, या तो डिस्प्ले ख़राब है जब ग्राफिक्स बनता है तो। लेकिन इसमें हम कुछ अलग ही फॉल्ट बताएंगे। ऐसे बहुत से लोग आपको टीवी के बैकलाइट पहले निकाल देते हैं, बिना चेक किए और नया बैकलाइट लगाते हैं, जिसके बाद फिर भी आपका टीवी चलता नहीं है। लेकिन हमने इसमें चेक किया तो इसका बैकलाइट वही सही था। इसका प्रॉब्लम था, ये जो देख रहे टीवी का मदरबोर्ड, इसमें प्रॉब्लम है, बैकलाइट ड्राइवर में पर वोल्टेज सही नहीं जा रहा था। तो आपको हम दिखाएंगे अभी बैकलाइट ड्राइवर, एक अलग से ये लगा दिया है। देखिए इसका यहाँ पर कनेक्शन भी कर दिया है इसका। ये जो आप दिखा रहे हैं, हम इसको वायर, ये मेरा बैकलाइट का पहले से वायर मदरबोर्ड में लगा था तो पिक्चर नहीं आ रहा था। फिर इसको हम वायर को निकाल दिए हैं और देखिए इस ड्राइवर कनेक्शन, ये ड्राइवर 12 वोल्ट के डीसी कंट्रोल से, देखिए यहाँ पर हमने 12 वोल्ट लगा दिया है कैपेसिटर के पॉइंट पे प्लस और माइनस का, और एक पॉइंट हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है ड्राइवर के आईसी पे पिन पे। और हम न्यू ड्राइवर में बैकलाइट लाइट लगाते हैं, देखिए इसको लगाना पड़ता है सही तरह से, प्लस माइनस देखकर, उल्टा नहीं लगाना चाहिए, ख़राब हो सकता है ड्राइवर। ठीक है, ड्राइवर में कनेक्शन कर दिया है बैकलाइट का न्यू वाले में। फिर देखते हैं कि हमारा टीवी चलता है कि नहीं चलता है। ये हमारा मेन लाइट का तार है, देखिए हम आप पीछे लगा दिया है। हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी कर दीजिए जल्दी से। तब तक अपने टीवी को अब इसका बैक साइड अब कसेंगे। कसने के बाद हम इसका थोड़ी देर में इसका हम स्क्रीन पर देखेंगे तो लाइट आ रहा नहीं आ रहा है। देखिए हमने अपने टीवी को पावर में लगा दिया, रेड लाइट चल रहा है, रिमोट से इसको ऑन करते हैं। देखिए टीवी ऑन कर दिए हैं, देखिए फोकस आ चुका है, टीवी का बैकलाइट सही था, मेरा टीवी चालू हो गया, मेरा वीडियो देखने में धन्यवाद।